गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो मेरा आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो है आजकल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हर किसी को स्ट्रेस है। तो मैं आपको आज लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लिया। तो जो स्ट्रेस है वो टू टाइप के हैं, कौन कौन से? यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यू स्ट्रेस जो क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस। कई बार स्ट्रेस लेना भी जरूरी होता है। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं, जैसे कि यू स्ट्रेस की वजह से हम क्या होते हैं, मोटिवेट, अपनी एनर्जी को हम अच्छी उसमें चैनलाइज कर पाते हैं। इज शॉर्ट टर्म, यू स्ट्रेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म। इट इज परसीव्ड एज विद इन आर कॉपिंग एबिलिटी। फील एक्साइटिंग, हम क्या फील करते हैं यू स्ट्रेस की वजह से? एक्साइटिंग। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और यू स्ट्रेस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस लेके सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मुझे थोड़ा हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, और उस मेहनत की वजह से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो क्या है? यू स्ट्रेस। नेक्स्ट है पॉजिटिव स्ट्रेस रिजल्ट। पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेंगे मीन्स यू स्ट्रेस, उसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट आते हैं? इनेबल कंसंट्रेशन, हम जो है वो अपनी कंसंट्रेशन बना बना पाते हैं। इंक्रीज परफॉर्मेंस, नेक्स्ट क्या है? हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है एनर्जाइज यू इन मोशन, हम मोशन में आते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस क्या है? इन जैसे यू स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस था, तो डिस्ट्रेस है नेगेटिव स्ट्रेस। हैज दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या करता है? एंजाइटी कॉज करता है। जैसे कई बार जो है हमें बहुत ज्यादा डर लग जाता है, तो हमें जो है वो हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हमें जो है वो बार बार जो है वो टॉयलेट आता है। तो ये सारे जो है वो एंजाइटी की वजह से होते। कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। डिस्ट्रेस शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। जैसे यू स्ट्रेस था वो कैसा होता है? ओनली शॉर्ट टर्म, बट डिस्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। इज परसीव्ड एज आउटसाइड ऑफ आर कोपिंग एबिलिटी। इसमें क्या कर सकते हैं? करते हम हमारी कॉपिंग एबिलिटी से भी ज्यादा जो है वो हमें स्ट्रेस हो जाता है। फील अनप्लेजेंट, इसमें जो है हमें बहुत मतलब अनप्लेजेंट फीलिंग होती है। डिक्रीज परफॉर्मेंस, और हम जो है वो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, और क्या होता है इसकी वजह से? फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट। अब जो ये डिस्ट्रेस होता है, नेगेटिव स्ट्रेस, उसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं? इससे लॉस ऑफ मोटिवेशन, हम जो है वो मोटिवेशन को लॉस कर देते हैं। रिड्यूस इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर आ जाती है नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जो है स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज यूजुअली फॉर शॉर्ट टर्म। एक्यूट स्ट्रेस क्या है? वो थोड़े समय के लिए रहता है, एंड मे बी ड्यू टू वर्क प्रेशर। किसकी वजह से होता है? सपोज कई बार हमें वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से मीटिंग डेडलाइंस, कई बार हमें डेडलाइन मिल जाती है कि हमें इस 3 तारीख तक, फॉर एग्जाम्पल, ये वर्क पूरा करना ही करना है, और हमारे पास सपोज 2 दिन है, 2 दिन में हमें बहुत ज्यादा काम करना है। तो कई बार डेडलाइन मिलने की वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर हो जाता है, और माइनर एक्सीडेंट, कई बार छोटा मोटा एक्सीडेंट होने की वजह से भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। ओवर एक्जर्शन, कई बार ओवर एक्जर्शन, जैसे हम कई बार ड्यूटी जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो हम ट्रेवल करके जाते हैं, तो ये एक्जर्शन हो जाती है। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, कई बार जब हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी हमें एक्यूट स्ट्रेस हो जाता है। सर्चिंग समथिंग बट यू
मिसप्लेस्ड इट, कई बार आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं जो आपने खो दिया होता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी देर के लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और सिमिलर थिंग्स, सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ टेंशन आर, ये जो एक्यूट स्ट्रेस होता है इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। फर्स्ट है हेडेक, हेडेक मीन्स हमें बहुत ज्यादा सिर में दर्द होगी। नेक्स्ट बैक, बैक पेन, और क्या होगा इसकी वजह से, हमारी बैक में बहुत ज्यादा पेन होगा। स्टमक प्रॉब्लम, हमें पेट में दर्द होगा। रैपिड हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा तेज होगी। मसल्स एके, मसल्स में दर्द होगा और बॉडी में भी पेन होगा। नेक्स्ट है क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल द थ्री टाइप स्ट्रेस टाइप, सबसे ज्यादा जो है सीरियस होता है वो होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस इज ए प्रोलॉन्ग स्ट्रेस दैट एग्जिट फॉर वीक, क्या होता है जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो लंबे समय तक रहता है, जैसे कई बार एक वीक तक रहेगा या पूरे महीने रहेगा या पूरे ईयर भी रह सकता है। दिस स्ट्रेस इज ड्यू टू पावर्टी, किस वजह से होता है ये स्ट्रेस, पावर्टी, जैसे सपोज हमारे पास पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा उसकी वजह से। नेक्स्ट ब्रोकन और स्ट्रेस्ड फैमिली, कई बार जो है वो फैमिली, जैसे कई किसी के पेरेंट्स जो है आपस में झगड़ते हैं या उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है तो उसकी वजह से, एंड मिस एंड मैरिजेस। क्रॉनिक इलनेस, कई बार बहुत ज्यादा जैसे कैंसर हो गया है किसी को तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। एंड सक्सेसिव फेलियर इन लाइफ, कई बार जो है हम लाइफ में फेल हो जाते हैं, कोई टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो वो उस सब की वजह से हमें क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस गेट यूज टू इट, पीपल जो इस टाइप के स्ट्रेस से सफर कर रहे होते हैं उनको इसका जो है वो मतलब आदत पड़ जाती है, एंड मे इवन नॉट रियलाइज दैट दे आर अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस, इट इज वेरी हार्मफुल टू देयर हेल्थ। क्या होता है क्रॉनिक स्ट्रेस में, उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें स्ट्रेस है, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हेनेवर योर बॉडी फील समथिंग नॉट फेवरेबल, क्या होता है कई बार जब हमारी बॉडी को लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, देन इट ट्राई टू डिफेंड इटसेल्फ, तो हमारी बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक रहती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, ओवर टाइम करना शुरू कर देती है। देयर आर सेवरल कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या है बहुत सारे कारण, फॉर एग्जाम्पल यू आर अंडर स्ट्रेस व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग, हम स्ट्रेस में ही रहते हैं जब हम किसी चीज के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, जैसे वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन, कई बार हमें अपने बच्चों की चिंता होती है, वरीड अबाउट द इलनेस ऑफ योर फादर, अगर हमारे पापा बीमार है तो हम उनके बारे में चिंता करेंगे, वरीड अबाउट योर जॉब सिक्योरिटी, अगर हमारी जॉब रेगुलर नहीं है तो हम अपनी जॉब के बारे में भी चिंता करेंगे कि पता नहीं हमारी जॉब कब चली जाए, और वरीड अबाउट लोन्स, और कई बार हमने लोन लिया होता है तो हम लोन की भी चिंता करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें क्या है बिजनेस एडवांटेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेस एब्सटिनेंस ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, क्या है लेस एब्सेंटिज्म ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर मीन्स, अगर किसी कोई जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेगा तो वो जो है जॉब पर रेगुलर आएगा और एब्सेंटिज्म भी नहीं होगा। लेस वर्कर कंपनसेशन लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस और एक्सीडेंट, और अगर हमारे वर्कर जो है एज ए वर्कर हम भी अच्छे से जो है वो अपना स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो हमें मतलब जहां पे हम जॉब करते हैं उनको हमें ज्यादा कंपनसेट भी नहीं करना पड़ेगा। इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस, और हम जहां वर्क करते हैं वहां पे हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। लेस स्ट्रेसफुल मोर एफिशिएंट वर्क प्लेस, और हम अच्छे से वर्क जो है कर पाएंगे। इम्प्रूव एम्प्लॉय एटीट्यूड, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय ओवरऑल हेल्थ, और एम्प्लॉय की ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी अगर वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या क्या डिसएडवांटेज है। स्ट्रेस इज ए डिसएडवांटेज, स्ट्रेस क्या है डिसएडवांटेज है,
बिकॉज इट कैन पोटेंशियली, अगर हमें स्ट्रेस है तो हम जो है अपने इससे हमारी हार्ट बीट रेज हो जाएगी और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो जाएगा. ऑल्सो इट कैन बी फैक्टर इन पुअर डिसीजन मेकिंग. और जब हमें स्ट्रेस होगा तो हमेशा हम जो है वो गलत डिसीजन लेंगे, बिकॉज अंडर स्ट्रेस वी मे नॉट थिंक लॉजिकली. क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं. कंसिक्वेंसिस ऑफ द चॉइस वी मेक. सो ये सभी डिसएडवांटेज थे स्ट्रेस के. अब जो है हमें स्ट्रेस से कैसे रिलीफ होना है. सबसे पहले स्टॉप शैलो ब्रीदिंग, हमें जो है वो लंबी लंबी सांसें लेनी है. नेक्स्ट है विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट योर विजन, हमें जो है वो हमारे दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो किसी ना किसी से शेयर जरूर करना चाहिए. नेक्स्ट है लाफ, हमें जो है वो हमेशा हंसते रहना चाहिए. जैसे क्रैक सम जोक्स, हमें हम कुछ जोक्स सुन सकते हैं. डू योर गोफियस्ट इम्प्रेशन, टिकल अ चाइल्ड दैट यू लव, किसी जिस बच्चे से हम प्यार करते हैं हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते. बी अवेयर ऑफ योर चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, हमेशा हमें अपनी चॉइस के हमें पता होना चाहिए कि मेरी क्या चॉइस है. हमें जो है कभी भी अपनी चॉइस को, जैसे सपोज हमारा मन करा है कुछ और करने का और हमें किसी ने कहा कि नहीं आप ये करो, तो आपने वही करना है जो आपको अच्छा. लर्न टू से नो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यू आर आस्क्ड, हमें जो है वो हमेशा हमें नो करना भी सीखना चाहिए. हमेशा जो है वो हर चीज के लिए यस करना जरूरी नहीं है. जहां पे आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो वहां पे आप नो कहें. और क्या करना चाहिए हमें स्ट्रेस से बचने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, म्यूजिक म्यूजिक सुनना चाहिए अगर हम जो है वो स्ट्रेस में हैं. और हमें स्ट्रेस से बचने के लिए एबीसी स्ट्रेटजी यूज करनी है. जैसे ए फॉर अवेयरनेस, हमें जो है वो पता होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तभी जो है हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे. सबसे पहले अवेयरनेस, बी से बैलेंस, अपने स्ट्रेस को बैलेंस करना है, और लास्ट में हमें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट है स्ट्रेस रिडक्शन मेथड, अब स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना है, ग्रुप और सोशल सपोर्ट, हमें जो है वो सोशल मीडिया पे या फिर सबके साथ मिलजुल कर रहना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, योगा कर सकते हो, और डेली जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है. ये नहीं कि आज मुझे बहुत सारा वर्क है तो कई बार हम जो है वो डिनर स्किप कर देते हैं, कई बार हम लंच स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. काम को काम की जगह रखना है और खाना खाने की जगह. और जो है अगर हमें कभी कभी भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाए, जैसे जो है कहीं घूमने चले जाए बाहर, जहां पे जो है वो आप रिलैक्स हो सके. और हमें कंफर्टेबल पोजीशन में जो है वो रेस्ट करना है जब भी हमें कभी स्ट्रेस हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट. आई होप कि आप सब जो है वो आप सबके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी, और जब भी आपको कभी लाइफ में स्ट्रेस होगा तो आप उसको इजीली मैनेज कर पाओगे. थैंक यू.